आज लोग गलत राह पर क्यों जाते हैं? क्योंकि सत्संग का अभाव है। देखो अंधकार कहाँ होता है आप बताओ, अंधकार कहाँ होता है? जहां प्रकाश नहीं होता, जहां प्रकाश नहीं पहुंचा वहां अंधकार होगा। अंधकार को बुलाना नहीं पड़ता, अंधकार भैया आ जाओ। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। उसी प्रकार अज्ञान क्या है? बोले ज्ञान का अभाव ही तो अज्ञान है। अज्ञान जैसा क्या होता है? ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहते हैं। ये भटकाव क्या है? आज का यूथ भटक क्यों गया? क्यों शुरा और सुंदरी में चला गया? क्यों क्लबों में जाके पूरी रात डिस्को और भांगड़ा कर रहे हैं? क्यों पराई स्त्री और पराई पुरुष के संग रहते लिविन ये सेटअप क्यों जमा, क्यों सिस्टम ये बना? क्योंकि आज का जो यूथ है वो सत्संग से हट गया। जब आप अच्छी चीजों से हटेंगे तो चीजें तो दो ही है ना, अच्छाई और बुराई। तीसरा क्या है? या तो आप अच्छे होंगे या तो आप बुरे होंगे। तीसरे क्या होंगे बताइए? आप या तो अच्छे होंगे या तो तीसरे क्या होंगे? तीसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो या तो बच्चे सत्संग से जुड़ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, संस्कारों से जुड़ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे, वरना बुरा बुरा बनाना नहीं पड़ेगा, अंधकार लाना नहीं पड़ता। प्रकाश का अभाव ही अंधकार को प्रकट करता है, सत्संग का अभाव ही कुसंग को प्रकट कर देता है, अज्ञानता को प्रकट कर देता है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान को प्रकट करता है। आज का यूथ यदि सत्संग से जुड़ा होता तो वो शराब ना पी रहा होता, वो जुआ शराब तांस चरस अफीम गांजा गुटखा तंबाकू ना खा पी रहा होता, क्योंकि सत्संग आपको पवित्र करता है। सत्संग आपके बॉडी को नहीं, बॉडी को तो पानी पवित्र कर देता है। आप नहा लो शुद्ध हो जाएंगे, आपके शरीर की गंदगी हट जाएगी। जो अंदर की शुद्धि है, मन की चेतना है, वो शुद्ध कौन करेगा? सत्संग। भागवत सुनने से क्या होता है? मन निर्मल होता है, मन की मैल धुल जाती है। आपके भीतर ये मैल है, कौन सी मैल है आपके भीतर? आपके भीतर मैल है कि नहीं है? या नहीं? कौन सी, कौन सी? नहीं, आप अज्ञानी नहीं है। कौन सी मैल है? निराशा। कौन सी मैल है? द्वेष। ठीक कह रहे हैं, माया। हमारे भीतर एक मैल है, सबके भीतर है, मेरे भीतर भी है, हम भी कोई बच्चे नहीं है। कौन सी मैल है? छल कपट ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली अभिमान काम क्रोध लोभ, ये सब हम सबके अंदर समाये हैं। हम जरूरत से ज्यादा कामी हैं, हम जरूरत से ज्यादा क्रोधी हैं, हम जरूरत से ज्यादा लोभी हैं। अच्छा, कामी होना गलत नहीं है, क्रोधी होना गलत नहीं है, पर कहां इसका प्रयोग करें? यदि काम वासना ना होती तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त भी तो ना होते। बोलो तो काम जरूरी है पर कहां? आप पति पत्नी हैं तो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहिए, काम का प्रयोग कीजिए ताकि देश को ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हो जाएं, मिल जाएं, विवेकानंद जैसे लोग मिल जाएं, झांसी की रानी जैसी बेटियां मिल जाएं। यदि आप ऐसे संतान के लिए काम का प्रयोग करते हैं तो काम अच्छा है, क्योंकि काम के बिना ना ध्रुव होंगे ना प्रहलाद होंगे। हाँ या ना? तो काम अच्छा है, पर काम कब बुरा हो गया? जब रावण मंदोदरी को छोड़कर सीता की तरफ देखता है तब काम बुरा होता है। यदि रावण अपनी मंदोदरी को ही देखता, मंदोदरी मतलब पत्नी रावण की, रावण यदि अपनी पत्नी को ही देखता तो रावण गलत नहीं था। रावण गलत तब हुआ जब रावण ने अपनी पत्नी के रहते हुए पराई औरत को देखा, तो रावण का जो नाश हुआ वो काम की वजह से हुआ। बोलो हाँ। तो काम बुरा नहीं है साहब,
काम ना होता तो आप कैसे होते? तो काम जरूरी है, सृष्टि के सृजन के लिए काम जरूरी है, क्योंकि इसके बिना संतति आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो काम उपयोगी है, पर केवल अपनी पत्नी और अपने पति के साथ। यदि आपने अपनी पत्नी से मन हटाकर किसी पराई औरत, पति से मन हटाकर पराए मर्द में मन लगाया, तो वो काम आपका सर्वनाश कर देगा। एग्जाम्पल है रावण। तो काम बुरा नहीं है। अब आते हैं क्रोध पर। लोग कहते हैं यार क्रोध बहुत बुरा है। नहीं, क्रोध बुरा नहीं है। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की लाज लुट रही थी और पितामह गुस्सा नहीं किए, करना था ना। ए दुशासन, क्या कर रहा है तू? ये अपनी भाभी के कपड़े क्यों उतार रहा है? सावधान, एक बाण छोड़ते, एक छप्पड़ मारते पितामह, दुशासन मर जाता। और ऐसों को मार देना ही सही था। क्या कहते हैं आप? जो भरी सभा में द्रौपदी जैसी भाई भौजाई थी, रिश्ते में भाभी थी, भाभी के कपड़े कोई देवर उतार रहा हो भरी सभा में, तो ऐसे आदमी को मार देना सही है या गलत है? राजधर्म कहता है सही। तो पितामह ने यह सही काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं गुस्सा किया? नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई पितामह को, भोगो। क्रोध करना सही है, पर कहां? जहां जरूरत है। बोलो हां। ईश्वर का बनाया कोई भी विधान गलत नहीं है। गलत होता तो ईश्वर बनाते ही क्यों? कहां? हम सबको गलत कहे, तुम गलत, तुम कभी ये मत कहना कि काम गलत है, क्रोध गलत है, लोभ गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। बस हम लोगों से उस चीज का प्रयोग करना नहीं आता। क्रोध अच्छा है, यदि पितामह ने किया होता दुशासन पर तो बहुत अच्छा था। जटायु के सामने रावण गया सीता मैया को लेकर, जटायु ने गुस्सा किया, ए रावण खड़ा हो जा, मेरी बेटी को तूने हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं। जटायु पक्षी होकर गुस्सा किए रावण पर, सही था। आपके देश पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो आपको गुस्सा करना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर क्रोध किया होता और उसे मार दिया होता तो उनकी आंखें ना फूटती बाद में। सही वक्त पर, सही समय पर, सही व्यक्ति पर क्रोध करना जरूरी है। नहीं करोगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। क्रोध कीजिए, क्रोध करो वहां जहां जरूरत है। जो क्रोध के योग्य है, जो क्रोध के योग्य नहीं है वहां शांत रहो। क्या रहो? शांत। ईश्वर की बनाई शांति भी है और ईश्वर का बनाया क्रोध भी है। ईश्वर ने कांटा भी बनाया है और ईश्वर ने कमल भी बनाया है। जहां कमल की जरूरत पड़े वहां कमल की। आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और कमल का सुंदर सा वहां पुष्प है और कमल के सुंदर से वहां पर ढेर सारे पुष्प हैं सरोवर में, तो पुष्प तोड़िए और कमल के पुष्पों की सुंदर सी माला बनाइए और माला दो बनाइए और दोनों एक दूसरे को पहनाइए, भगवान जी को पहनाकर, भोग लगाकर, प्रसादी। भगवान राम भी सीता मैया के बालों में फूल गूथा करते थे, गजरा। पति पत्नी का ये रिश्ता है ही ऐसा। कभी पत्नी का श्रृंगार करना चाहिए। राम जी सीता मैया का श्रृंगार करते हैं, चित्रकूट की ये पंचवटी की ये बात। जब जयंत ने भगवान माता सीता के पांव में चोंच मारी उस समय राम जी सीता मैया का श्रृंगार ही तो कर रहे थे। जंगल के पुष्प तोड़कर लाए हैं, सुंदर सा गजरा बनाया है और राम जी सीता मैया के बालों में वो। तो आप भी कभी अपनी पत्नी के बालों में कुछ लगाते हैं दादाजी? नहीं लगाया है आपकी?
हैं, लगा देना। सब चीजें सही हैं। ईश्वर ने पुष्प बनाया है तो पुष्प का भी आनंद लो, और कांटा बनाया तो कांटा, कांटा लग गया है आपको तो कांटे को कांटे से निकाल दीजिए। तो ईश्वर ने जो गुलाब बनाया, जो कांटे बनाए, दोनों का उपयोग। अब लोग कहें अरे भगवान ने कांटे क्यों बना दिए, कांटे का भी उपयोग है इसलिए कांटे बनाए भगवान ने। तो काम भी जरूरी है और क्रोध भी जरूरी है, और लोभ बताओ। लोग कहते हैं लोभ ना करो, लोभ ना करो, लोभ करो। लोभ नहीं करोगे तो भारत की ग्रोथ रुक जाएगी, देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लोभ जरूरी है पर कैसा तरीका, गलत करते हैं लोग, बाकी सही कर लें तो सब सही है। लोभ होना चाहिए किसका, आप खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब बिजनेस करो, खूब व्यापार करो, खूब पैसा कमाओ, लोभ करो। लेकिन उस लोभ का अर्थ क्या होना चाहिए, उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए, लोभ किसका करें। भगवान से कहो हे प्रभु हम ज्यादा पैसा कमाएं, और ज्यादा कमाओ, और ज्यादा पैसा कमाकर ज्यादा से ज्यादा समाज की उस पैसे से सेवा करो। ज्यादा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा सेवा। अब आप क्या करते हैं, ज्यादा कमाते तो हैं पर पी लेते हैं महंगी शराब, खा लेंगे मांस, है ना, और पड़े हैं वहां सुअर की तरह कहीं किनारे नाली में शराब पी के नशे में। तो आपने पैसे का दुरुपयोग किया है, आपने मतलब जो करते हैं उनका हम बोल रहे हैं। तो जो पैसे का दुरुपयोग करता है उसका पैसे कमाने का कोई अर्थ नहीं है। पैसा कमाओ साहब, खूब पैसा कमाओ, लोभ करो, पैसा कमाओ, उसका सही उपयोग करो। आप बताइए, आप पैसा कमाते हैं उस पैसे से आप क्या करते हैं, केवल आप खाते हैं, बैंकों में डालते हैं, और अपने परिवार का बेटा बेटी पत्नी परिवार की सेवा करते हैं बस। ये परिवार का पेट भर लेना तो पक्षी भी जानते हैं, पशु और पक्षी भी जानते हैं। पैसा इसलिए मत कमाओ कि हमें पत्नी का और बच्चों का पेट भरना है, ना, पैसा इसलिए कमाओ कि हम और हमारे द्वारा कमाया हुआ धन किसी के काम आएगा, समाज के काम आएगा। परिवार की सेवा तो है ही, उसे तो नहीं छोड़नी, लेकिन काम। जैसे ये दास अनिरुद्ध आपके सामने उदाहरण है कि दास अनिरुद्ध हम पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे को वृद्ध माओं की सेवा में लगाते हैं। 275 माताएं रहती हैं यहां, हम भी आपकी तरह गृहस्थी हैं, आपकी तरह ही हम हैं। जैसे आपकी माँ है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, ऐसे हम भी गृहस्थी हैं आपकी तरह। हम कोई साधु विरक्ति नहीं है, विरक्त नहीं है, गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर हम अपना सारा कार्य करते हैं, गृहस्थ की मर्यादा में रहकर हम सारा कार्य कर रहे हैं। और पैसा कमाकर देखो, गौरी गोपाल आश्रम में अन्य क्षेत्र चलता है, कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन मिलता है। ये गृहस्थ का लक्षण है कि आपके द्वार पर कोई आ जाए तो उसे पेट भर भोजन मिलना चाहिए। हम तो केवल वही कार्य कर रहे हैं जो गृहस्थों को करना चाहिए। पैसा कमाओ ना, सेवा करो। मेरी उम्र के लड़के शराब पी रहे हैं, मेरी उम्र के बच्चे शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। क्लबों में जाइए तो मेरी उम्र के ढेर लड़के मिल जाएंगे आपको, मेरी उम्र की ढेर बहनें मिल जाएंगी आपको, जो क्लबों में रात रात शराब पी के भांगड़ा और डिस्को कर रही हैं। ये कौन है, ये मेरी उम्र के बच्चे हैं, हाँ या ना। जिस उम्र में वो क्लबों में शराब पी कर नाच रहे हैं उसी उम्र में मैं पैसा कमा कर समाज की सेवा कर रहा हूं। तो पैसा कमाना कहां बुरा है साहब, हमने कहा नहीं है साहब, आपको सब कुछ करके दिखाया है। हमारी बात कहने वाली नहीं है, करने वाली है।
हमने कहा तो अब है, किया तो वर्षों से। जीवन में ईश्वर ने जो मैं लोभी हूं, ये दास अनिरुद्ध, हम तो लोभी हैं, हम तो आपसे रोज मांगते हैं कि आप किसी एक मां को गोद लो, आप सहयोग करो। आप जब सहयोग करेंगे तो यहां अन्य क्षेत्र चलेगा, यहां वृद्ध माओं की सेवा होगी। तो हमारा धर्म है आपसे मांगना, ब्राह्मण हूं ना, और ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना, तो मैं तो मांगता हूं आपसे। आप दें ना दें मर्जी आपकी, पर मैं लोभी हूं इसलिए तो मांगता हूं, और मांग कर करता क्या हूं, सेवा करता हूं, जो बनता है वो कार्य करता हूं। आप भी करो। आपके मोहल्ले में आपके आसपास कोई बूढ़ी मां है जिसका कोई नहीं है, आप उसका बेटा बन जाओ। आप उसके लिए अपने घर में एक कमरे की व्यवस्था करो, आप उस मां का ध्यान रखो। अपनी मां का ध्यान तो रखना ही है, अपनी सासू मां का। तुम्हारी यदि पत्नी की मां उसका कोई नहीं है तो तुम जमाई राजा, तुम उसके बेटा हो, तुम उसका ध्यान रखो, उसका भी ध्यान रखो, अपनी सासू मां का, अपनी जननी का, मां का। और अड़ोस पड़ोस में कोई जरूरतमंद मां हो तो इंसानियत के नाते, उससे आपका खून का तो रिश्ता नहीं है लेकिन इंसानियत का तो है, इंसानियत के नाते सेवा करो। खूब पैसा कमाना मेरे भाइयों, मेरी मां मेरी बहनों, खूब पैसा कमाना चाहिए। और लोग कहते हैं अरे हम तो कमाते नहीं है, हम तो सब छोड़ देते हैं। छोड़ना मूर्खता है ये, क्यों छोड़ना है? भगवान राम ने क्या छोड़ा? बाद में राजा बने कि नहीं? राजा बने, और राजा बनकर ईमानदारी से प्रजा की सेवा की। इसलिए राम जैसा आदर्श राजा आज तक दुनिया चाहती है कि राम जैसा राजा। छोड़ना नहीं है, स्वीकार करना है, पर स्वीकार इस भाव से करो कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का, मैं इसका मालिक नहीं हूं, ये सब कुछ किसका है? प्रभु का। तो काम क्रोध लोभ और मोह, मोह लोग कहते हैं मोह ना हो, मोह होना चाहिए, मोह अच्छा है, पर किससे? आपको मोह है बेटा से, बेटी से, है ना मोह, मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा परिवार, मोह होना चाहिए। पर 10% परिवार से हो और 90% बिहारी जी से मोह हो, जगन्नाथ जी से मोह हो, प्रभु से मोह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो भगवान से मोह हो तो क्या बुराई है? मोह गलत थोड़ी है, भगवान से हो, ईश्वर का बनाया कुछ भी बुरा नहीं है। अब आप नहीं समझ पाए तो आप सारी जिंदगी बोलते रहते हैं अरे काम बहुत बुरा, क्रोध बहुत बुरा, लोभ बहुत बुरा, कुछ भी बुरा नहीं है।